ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 मई गुरुवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, परिवार से आज अच्छे संबंध होने की संभावना बन रही है। घरेलू क्षेत्रों में आज आपको विकास देखने को मिल सकता है तथा घर परिवार में सबके साथ आपसी सामंजस्य बेहतर होने की संभावना बन रही है। आपके द्वारा किए गए कार्यों से आज आपको अच्छी सफलता तथा परिवार में आपका सम्मान प्राप्त हो सकता है। आज आप सबके प्रति आस्था रखने के साथ साथ सबका सहयोग करने की कोशिश करें। दोस्तों, साथ ही साथ आज आप बाहर की गतिविधियों पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करें तथा आयोजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करें। आपको अपने प्रयत्नों में सफलता अच्छी प्राप्त होगी तथा आय के साधन भी आपके लिए काफी मजबूत होंगे। प्रॉपर्टी संबंधित किसी प्रकार का कार्य करने के लिए आज का दिन उत्तम है। घर के रखरखाव संबंधित आज शॉपिंग भी हो सकती है। आजकल आप अपनी दिनचर्या में जो परिवर्तन ला रहे हैं उससे आपके स्वास्थ्य तथा पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा सुधार आएगा। घर के नवीनीकरण या सुधार जैसी योजनाएं आज बनेंगी। आज किसी वास्तुविद के साथ अवश्य विचार विमर्श करें। साथ ही प्रत्येक कार्य को करने से पहले बजट बनाना आपके लिए अति आवश्यक है। आज दूसरों के काम में अधिक ध्यान देने की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। बच्चों की तरफ से चली आ रही समस्या का आज हल मिलने से राहत भरी स्थिति रहेगी। धर्म कर्म तथा समाज सेवी संस्थाओं में आज आपकी विशेष रुचि रहेगी। इसकी वजह से आप सम्मानित भी होंगे। विद्यार्थियों को भी पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। बुजुर्गों का सम्मान व आदर आप अवश्य बनाकर रखें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्य उदय का निर्माण करेगा। घर में कोई धार्मिक कार्य आज संपन्न हो सकता है जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों, आज ज्यादा से ज्यादा विवादों से दूर रहने का आप प्रयत्न करें। सावधानी रखते हुए किसी भी कार्य को करें। अपने आप पर भरोसा करते हुए आर्थिक लेन देन में सावधानी रखें। कभी कभी आपकी लापरवाही की वजह से कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं, जिसकी वजह से स्वभाव में भी एकरण ही गुस्सा व चिड़चिड़ापन रह सकता है। अपना आत्मविश्वास ऊर्जा बनाकर रखना जरूरी है। साथ ही साथ विद्यार्थियों का भी ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। कोई पुरानी नकारात्मक बात दोबारा उठने से नजदीकी रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब होने की आशंका भी आज लग रही है। दोस्तों, अपने सम्मान की देखभाल आप स्वयं करें। चोरी होने
अथवा खोने की संभावना आज लग रही है। प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी नजदीकी रिश्तेदार अथवा भाई के साथ कोई कहासुनी होने की भी आज आशंका है, थोड़ा सावधान रहें। साथ ही साथ कोई भी उपलब्धि आज मिलने पर तुरंत ही उस कार्य को करें, ज्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल सकता है। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर आज आप अपना नुकसान कर सकते हैं, थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों ध्यान रहे कि आज खर्चों की भी अधिकता रहेगी, साथ ही साथ किसी पड़ोसी के साथ ही इसी बात को लेकर कहासुनी भी हो सकती है। क्रोध की अपेक्षा शांतिपूर्ण तरीके से मामला सुलझाएं। दोस्तों स्वभाव में धैर्य व नरमी बनाकर आप रखें, जल्दबाजी आपके और आपके परिवार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, जिससे घर का माहौल भी नकारात्मक हो सकता है, थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों आज प्रेम संबंधों को लेकर कुछ नया माहौल आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों साथ ही साथ आपके कार्यों में जीवन साथी का सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा तथा आपके संबंधों में मधुरता रहेगी। घर का वातावरण संतुलित बनाए रखने के लिए आपको अपने व्यवहार में संतुलन बनाकर रखना अति आवश्यक है। दोस्तों वैवाहिक जीवन आज सुख में रहेगा, प्रेम संबंधों को मर्यादित बनाकर रखना अति आवश्यक है। दोस्तों साथ ही साथ व्यस्तता के बावजूद कुछ समय परिवार वालों के साथ मनोरंजन व आमोद प्रमोद में व्यतीत करें, इससे सभी को प्रसन्नता मिलेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय कैरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों कार्य क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलेगी और कारोबार विस्तार की आज आप नई योजनाएं बनाएंगे। प्रॉपर्टी में भी आज आप निवेश कर सकते हैं, जो भविष्य के लिए आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में सहयोगियों और कर्मचारियों पर अधिक विश्वास न करके सभी निर्णय आप स्वयं ही लें, क्योंकि किसी अन्य की सलाह आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। व्यवसायिक क्षेत्र में सभी काम आज सुचारू रूप से चलते रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने लिए कुछ समय भी निकाल पाएंगे। साथ ही साथ नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों का भी आज कोई टारगेट हासिल हो सकता है, जिसकी वजह से आपका बॉस या उच्च अधिकारी आपके लिए कुछ उपलब्धियां प्रदान कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय आज का बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज स्वास्थ्य को लेकर आपके लिए स्थितियां काफी सामान्य रहने वाली हैं। आज किसी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को तनाव मुक्त और काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद दो केले लें, इसके बाद आप इन दो केलों पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते हुए किसी भी गाय को खिला दें और मनी मन अपनी मनोकामनाएं मांगे, या दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु जी बहुत जल्द प्रसन्न होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्त परेशानियों का अंत करेंगे और आपको जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति होंगी और आपके सभी कार्य भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से बहुत ही आसानी से बनने लगेंगे। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।